बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह मोटिवेटर तो मोटिवेट कर जाता है और इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है, सी दिस वन इज अ पार्ट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन। ग्रास रूट लेवल पे बैठा हुआ मैं अभी बिजनेस के, तो कल की वीडियो मैंने अपलोड नहीं की थी, आज इंशाल्लाह ताला दो कट्ठी वीडियो अपलोड करूँगा। अभी तक हमारे टोटल जो है 5 एकड़ में से निकल आए हैं, जो मोटी मोटी चुनाई हमने करवाई है नीचे से, हमारे इंशाल्लाह ताला 115 या 110 या 120 इतने थोड़े 115 होप सो होंगे निकल आए हैं। ठीक है जी, इसके बाद अब हमारी जो सी एक्चुअल जो पढ़ाई आएगी वो अब आएगी इसके बाद, क्योंकि अभी जो मटर नहीं दिख रहा है पहले कितनी ज़्यादा घनी है, तो नीचे वाली जो से थी ना बेल वो हो रही थी, मतलब बेल भी ख़राब हो रही थोड़ी सी, और नीचे जो मटर का मुंह लगा हुआ था ज़मीन के साथ वो गलना शुरू हो गया था, यानी कि 2 mm तक, 1 mm या 2 mm इतना, यानी कि एक एक दाना दो दाना ख़राब हो रहे थे। तो हमें चेक किया था, मैंने चेक किया तो फिर हमने जनाब उसकी तलाई शुरू करवा दी, यानी कि वो मटर फैलना शुरू हो गए थे। तो अब जौनसा है अल्हम्दुलिल्लाह 5 एकड़ जौनसा है, होप सो आज यानी तो सुबह कंप्लीट हो जाएंगे। तो वैसे है कि इंशाल्लाह ताला ग्रास रूट लेवल इम्प्लीमेंटेशन जो सी है वो क्या है, वो जो चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ मेरी वीडियोस में ये इम्प्लीमेंटेशन है, इस चीज़ को ग्रास रूट लेवल कहते हैं। आप लोगों को पता ही होगा, कहीं को नहीं पता उनको भी पता चल जाए। अब इसे टोटल एक्सपेंस टोटल प्रॉफिट का पता चलता है इन चीज़ों से। ठीक है जी, ये सारी लेबर बैठी हुई है, सुबह का तबक से वेडले 20 या 18 इतने थोड़े इस वक्त होंगे, डेली की तड़ाई इतनी होती रही है हमारी। ठीक है जी, देखें ये बच्चे भी साथ आ जाते हैं, फिर इतनी सर्दी है यू कॉन्ट इमेजन, और ये लेबर अप्रॉक्सीमेटली 7-8 बजे की आई हुई है, जब ये करते हैं इतनी ठंड के अंदर बुजुर्ग औरतें हैं और जवान। अच्छा, कसरात में लेडीज़ का बड़ा अमल दखल है भाई, हम तो समझते थे कि जी बंदे काम करते हैं, नहीं 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 औरतों का बहुत ज़्यादा हाथ है जनाब। मक्की एक हासिल लगवानी है, मेज़ यानी कि चली वगैरह वो उसको अगर आग लगानी है वो हाथ से लगेगी, लेडीज़ लगाएंगी। अगर धान लगेगी, चावल लगेंगे, राइस लगेंगे तो फिर भी वो लेडीज़ लगाएंगी, हाथ से लगेगी। फिर उसके बाद अगर नरमा लगेगा वो भी लेडीज़ लगाएंगे, हाथ से लगेंगे। फिर उसके बाद जनाब कोई कान लगाना यानी कि प्याज लगानी है वो भी हाथ से लगेगा, या फिर उसके बाद अगर जो कोई वो लगाना है क्या कहते हैं उसे, दूसरी और चीज़ें लगानी है, काफ़ी सारी चीज़ें लेडीज़ का बड़ा अमल दखल है बीच में रात में। तो अब इंशाल्लाह ताला जनसा है इनको हम शाना बशाना चलती है मर्दों के, लेकिन इनकी दिहाड़ी थोड़ी कम होती है, क्योंकि ये बैठ के काम करना होता है मर्दों ने, फिर जारी सी बात है उनके दिहाड़ी ज़्यादा इसलिए होती, काम ज़्यादा करते हैं, फ़र्क पड़ता है थोड़ा बहुत। तो इंशाल्लाह ताला जनसा वक्त के साथ साथ जनसा है सारी चीज़ें आपको दिखाते रहेंगे। एक तो 3 फसलें मैंने अब कवर कर ली हैं जो कि मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह ताला ग्रास रूट लेवल पर भी आपसे बात करेंगे। प्रॉफिट नेट वर्थ तो जारी से बात है कोई भी नहीं बताता, तो मैंने एक दो फसलों की अपनी वीडियोस में पीछे बताई हुई हैं जो हमने घर लेकर नई वैरायटी लगाए थे, तो उसका मैंने बताया था, तो अभी इसका भी बता देंगे इंशाल्लाह ताला। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तमाम ठीक जा रहा, रेट बहुत अच्छा मैं लगा है ज़्यादा, तो सही तुक्का लग गया, बाकी देखते हैं अभी देख रहे हैं फर्दर। अब हम जो है कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सीज़न में जो लगाएगा उसके बाद फौरन वो लगाएंगे, क्या कहते हैं उनसे प्याज की पूरी तैयारी मैंने कर ली है इंशाल्लाह ताला, आज या कल जो है अपनी देख के आऊँगा, और अगले महीने से इंशाल्लाह प्याज की तैयारी शुरू हो जाएगी। साथ इसका अटैच कर दूंगा मंडी की वीडियो क्या रेट लगा, कल वाली वीडियो मैंने बनाई हुई है वो भी इंशाल्लाह ताला एडिट करके थोड़ी बहुत वो अटैच कर देंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, खुदा हाफिज़।